ये मंगलमय समय का समागम महान आचार्य संगठन उसके रचयिता और किसी मंगल मुहूर्त में उसका आविर्भाव हुआ महामंगलमय ग्रंथ है जिसमें शुद्धात्मा को अमूर्त होने पर ही मूर्तिमान जैसा कर दिया और हमारी हथेली पर रख दी। तो सुंदरगंध में इसकी दूसरी गाथा पर अपनी चर्चा और समय की व्याख्या करने के बाद उसका स्वरूप बताने के बाद और जो अन्य मंतव्य वाले लोगों उनका परिहार करने के बाद आचार्य समय के इन जीव नामक पदार्थ से समय से तात्पर्य यहाँ पर जीव नामक पदार्थ का समय से पदार्थों को उज्ज्वल धर्म धर्म आकाश और काल इनको भी समय कहते हैं। यहाँ चर्चा जीव नामक पदार्थ की हमारे जीव की चर्चा है हमारे आत्मा की चर्चा है उसके दो प्रकार बताए समय निर्मित जीव पदार्थ और वह जीव पदार्थ अपने ज्ञान और अज्ञान के कारण मोह के वशीभूत होकर मोह का वशीभूत बना तोड़कर दो प्रकार से परिणत होता है। एक है समय और दूसरा है पर समय। वह समय अर्थात अपनी आत्मा को भी अपना मानने वाला और अपनी आत्मा को अपना आत्मा मानकर जो आत्मा के योग्य कर्तव्य हैं कार्य हैं उसके गुणों के अनुरूप उसके मुख्य गुण दर्शन ज्ञान चारित्र दर्शन ज्ञान चारित्र के अनुरूप जो अपनी पर्याय में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वर्णन करता है उसका नाम स्वसमय। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जन्म होने की विधि वो अन्य है अर्थात आत्मा जो द्रविगुण पर्याय वाला पदार्थ है उसमें पर्याय को गौण करके जो अनंत गुणात्मक शुद्धात्म तत्व है उसमें अहम करना उसका स्वसंवेदन ज्ञान से एकत्र करना और उसमें लीन होना इस विधि से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जन्म होता है। यहाँ भी विधि वही है लेकिन क्योंकि यहाँ पर चर्चा इस बात की करना है कि जो स्वसमय है वो क्या करता है उसका काम क्या है उसका कर्तव्य क्या है। स्वसमय से समय में सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी सम्यक चारित्री इसका नाम स्वसमय। शुद्धात्मा का अनुभव होते ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो गुण है उसकी पर्याय का अंश प्रकट होता है। सम्यक दर्शन पूरा होता है सम्यक ज्ञान भी पूरा जैसा ही होता है और शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान नहीं होता सपेक्षा से उसे अपने में कहा जाता है। उसे स्व और पर का भेद जानकर शुद्धात्मा का संवेदन करने की अपेक्षा स्वसंवेदन ज्ञान और केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं।
ऐसा योग वह समय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र पढ़ने हुआ। उसने दर्शन ज्ञान स्वभाव का स्वभाव रूप जो आत्मतत्व है उसका अवलंबन देकर उसमें अहम कर अवलंबन देकर आशय करके उसकी श्रद्धा करके उसका विश्वास करके उसकी दृष्टि करके मैंने उसमें अहम करके अन्य पदार्थों से संपूर्ण अहम छोड़कर जिसने एक मात्र जो अपनी सत्ता है उस अपनी सत्ता ने ही विराम पाया और पर सत्ताओं को पर भावों को मोह राग द्वेषादि भावों को संपूर्ण रूप से अपना मानना छोड़ दिया। ऐसा जो कर समय नाम का पदार्थ है सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र में परिणित वह समय निरंतर उसका शुद्ध वर्णन है चारित्र में थोड़ी कमी है जो सम्य दर्शन और सम्य ज्ञान का सम्य चारित्र के अंश का उसमें निरंतर वर्णन होता है। इसलिए पर्याय की ओर से पहले की उनकी बात अभी हमने की ना ध्रुव का अवलंबन लेकर जो ध्रुव तत्व है शुद्धार्थ तक दर्शन ज्ञान स्वरूप दर्शन ज्ञान मैंने दर्शन मैंने सामान्य अवलोकन सतमात्र का यहाँ प्रतिभा होता है जो दर्शन और ज्ञान मैंने उसका विकल्प था जो प्रकृति विभाग सहित पदार्थों को जानता है वो ज्ञान। ऐसा दर्शन और ज्ञान दृष्टा और ज्ञाता जिसका उसको कहते हैं ना आत्मा दृष्टा और ज्ञाता है अर्थात वो दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला है। दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले आत्म तत्व के में एकत्व रूप से लीन होकर एकत्व रूप से एकत्व अर्थात यही मैं हूँ एकत्व रूप से लीन होकर मैंने यही शुद्ध चैतन्य दर्शन ज्ञान स्वरूप शुद्धात्म तत्व मैं हूँ इस तरह उसने लीनता करके प्रवृत्ति करता है तब वह एक ही समय में एकत्व रूप से मैंने यही मैं हूँ इस प्रकार एकत्व रूप से एक ही समय में अपने शुद्धात्मा को जानता हुआ अर्थात उसका वेदन करता हुआ और प्रणमन करता हुआ अन्य दर्शन ज्ञान चारित्र प्रणमन करता हुआ स्व समय कहलाता है। इस समय की चर्चा हुई उसने क्या बताया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति की जो विधि है वो तो शुद्धात्मा जो ध्रुव तत्व है उसके अवलंबन से ही होता है लेकिन उसको यहाँ गौण करके बात तो आई हो कि उनका जन्म कैसे हुआ ये तो आई बात लेकिन जन्म होने के बाद सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पैदा होने के बाद उसका समय कहलाया तो स्वर समय वो प्रति समय क्या करता है उसका क्या काम है उसका क्या कर्तव्य है प्रति समय स्वर समय से पूछा जाए सम्यक दृष्टि से पूछा जाए तो क्या जवाब देगा क्या करते हो दिन रात क्या करते हो क्या काम है दिन रात तुम्हारे पास कहते हम अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में व्यस्त रहकर निरंतर आनंद का पान करते हैं। पर्याय की ओर से उत्तर दिया ना द्रव्य की ओर से होता तो उत्तर में ये बात नहीं आती द्रव्य की ओर से अगर बात होती तो यही शुद्धात्म तत्व मैं हूँ ऐसा अहम ऐसा श्रद्धा का अहम तो यही शुद्धात्म तत्व मैं हूँ ऐसा ज्ञान का स्वसंवेदन और यही शुद्धात्म तत्व मैं हूँ ऐसा मानता और जानता हुआ उसी में लीनता और आनंद का पान करना ये उस शुद्धात्मा अर्थात ध्रुव तत्व का अवलंबन वो केवल एक बात होती है। ध्रुव तत्व का अवलंबन तीनों वृत्तियाँ दर्शन ज्ञान चारित्र की तीनों वृत्तियाँ एक होकर और शुद्धात्म तत्व का अवलंबन करती हैं। जैसे तीन नदियाँ हैं और वो तीन नदियाँ एक साथ समुद्र में गिरती हैं तो बताओ वो तीन रहती हैं वहाँ वो तीन है या एक हो गई। इसी तरह जिस समय शुद्धात्म तत्व का चिन्मय तत्व का चिन्मात्र तत्व का ज्ञायक भाव का आत्मा अवलंबन करता है
तो उसमें श्रद्धा के द्वारा अहम, ज्ञान के द्वारा स्वसंवेदन, चारित्र के द्वारा लीनता, ये तीनों वृत्तियाँ एक होकर उस गुरु तत्व का अवलंबन करती हैं, तब तो उसको स्व समय कहते हैं। तब तो उसको पर्याय की ओर से, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जन्म हुआ तो पर्याय की ओर से उसको स्व समय कहा गया। ये पूरा पदार्थ हो गया ना। आत्मा क्या कर रहा है अभी? गुरु तत्व का अवलंबन लेने के बाद, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जन्म होने के बाद, वह सम्यक दृष्टि आत्मा निरंतर किया किया करता है। उसका जवाब आचार्य देते हैं कि वो तो अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में व्यस्त रहता हुआ, उसी काम को निरंतर करता हुआ, अपने अतीन्द्रिय आनंद का अमृत पान किया करता है। ये उसको ये कहा स्व समय। ये उत्तर पर्याय की ओर से वह जिसमें ध्रुव तत्व की ओर देखते हैं, वहाँ पर इस प्रकार की बात, पर्याय को देखने की बात अथवा पर्याय की ओर से इस प्रश्न का ये उत्तर देने की बात वहाँ पर होती है? वहाँ नहीं होती। वहाँ तो एकमात्र वो ध्रुव शुद्धात्मा और उसका संवेदन करने वाली पर्याय बस ये रहती है। लेकिन यहाँ जो पैदा हो गया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न होने के बाद ये सम्यक दृष्टि आत्मा क्या किया करता है, क्या काम है इसका, इसका काम बताया कि वो तो निरंतर उसी में व्यस्त रहता है। अपने से कोई पूछे तो अपन नहीं कहते, क्योंकि क्या किया करते हो? तो निरंतर अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं। सम्यक दृष्टि को पूछा क्या किया करते हो? निरंतर अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं। क्या है तुम्हारा व्यवसाय? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मेरा व्यवसाय है और इसी में निरंतर व्यस्त रहकर आनंदित रहता हूँ। उसको आचार्य स्व समय कहते हैं। ये तो हुई सम्यक दृष्टि आत्मा की बात। यहाँ से स्व समयता का प्रारंभ हुआ। यहाँ से क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। अभी चारित्र में जो कमी है, तो चारित्र की कमी के कारण उसमें सूक्ष्म पर समयता कही जाती है। कमी है ना चारित्र में? चारित्र भी पूर्ण हो जाए, सिद्ध दशा हो जाए, इन चारित्र की अपूर्णता के कारण इसमें सूक्ष्म पर समयता, ये मित्रत्व वाली नहीं लेकिन चारित्र वाली, लीनता में अभी जो पूरा आनंद आना चाहिए उस आनंद में अभी कमी है। आनंद की जाति का रसास्वादन हुआ, जाति का रसास्वादन हुआ, लेकिन परिमाण अभी उतना नहीं, परिमाण में कमी है, क्वांटिटी में कमी है, क्वालिटी में कमी नहीं है। तो इस तरह उसको समय जानना चाहिए और इस प्रकार प्रतीति करना चाहिए, इस प्रकार प्रतीति करना चाहिए, इस प्रकार जानना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। अब आगे पर समय की चर्चा करते। पर समय किंतु जब वह अनादि अविद्या रूपी केल के मूल की गांठ की भांति पुष्ट व मूल उसके उद्यानुसार प्रवृत्ति की अधीनता से दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप आत्म तत्व से छूट कर कर्द्रवी के निमित्त से उत्पन्न मूल राग द्वेषादि भावों में एकता रूप से लीन होकर प्रवृत्त होता है, तब उज्ज्वल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने से युगपत कर को एकत्व पूर्व जानता और पर रूप से एकत्व पूर्ण परिणित होता हुआ पर समय है, उस प्रकार प्रतीत की जाती है। ठीक ऐसा वैसा है, उसे उल्टा है, उससे उल्टा। किंतु जब वह है, किंतु जब वह आत्मतत्व आत्मात्मा जब वह कौन, वह समय अर्थात वह आत्मा अनादि अविद्या रूपी केल के मूल की गांठ, अनादि से जो अज्ञान की केले के मूल की गांठ जैसी गांठ अज्ञान की बनी हुई है। कैसी गांठ है? केले का जो मूल होता है उसकी जो गांठ होती है उसकी गांठ की तरह अज्ञान की गांठ है। इस अज्ञान की गांठ की भांति
पुष्ट हुआ मोह, उसकी तरह से जो मोह पुष्ट हो रहा है उसके विद्यानुसार प्रवृत्ति की अधीनता से तेल के मूल की गांठ की भांति जो अज्ञान, तो उसके अनुसार पुष्ट हुआ जो मोह, जैसे वो अज्ञान पुष्ट है ना, उसी प्रकार ये मोह भी पुष्ट हुआ, पुष्ट हो रहा है मोह भी उसके विद्यानुसार प्रवृत्ति की अधीनता से। ये महत्वपूर्ण है बात, उसके विद्यानुसार प्रवृत्ति की अधीनता से, अर्थात मोह का मैंने जड़ मोह, यहाँ पर जड़ मोह है ना दर्शन मोह, उस दर्शन मोह के उदय की अधीनता से, मैंने दर्शन मोह का उदय वो आत्मा को अधीन नहीं बनाता, इसमें से ध्वनित हो रहा नहीं, उसके मोह के मोह उसके उदयानुसार प्रवृत्ति की अधीनता से, उसके मोह उस मोह के उदय के अनुसार ये स्वयं प्रवृत्ति कर रहा है, वह प्रवृत्ति नहीं करा रहा। दर्शन मोह जो जो खेल के मूल की गांठ की भांति पुष्ट हो रहा है वो इसको प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, पर यह उसके उदय में स्वयं उसके उदय के अधीन स्वयं हो रहा है। तो उसके उदय के अधीन जब ये हो जाता है तो ये सारी झंझट जो नीचे आ रही है ये पैदा होती, स्वयं जब उसके अधीन हुआ, जैसे भारतवर्ष को अंग्रेजों ने अधीन बनाया या भारतवर्ष स्वयं अधीन बना, स्वयं अधीन बना, अगर वो उसके पास भेद ज्ञान होता और वो इस बात को जानता भी है और है ये विदेशी हैं, ये फिरंगी हैं, हम जो है वो पवित्र संस्कृति वाले भारतीय हैं, अगर ये इस बात को जानते और ये तो यहाँ से सात समंदर पार रहते हैं, इनका इनके आधिपत्य का इनके स्वामित्व का यहाँ क्या काम है, ऐसा अगर ये जानते तो क्या उनकी अधीनता स्वीकार करते। लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने ये समझा कि जो विशेष लोग हैं, विशिष्ट लोग हैं, पार समंदर पार से आए हैं, हमें राज करना शासन करना नहीं आता, इनको राज करना और शासन करना आता है, सारे सारे देश में नहीं मैंने सारी दुनिया में सारे ब्रह्मांड में इनका राज है। अंग्रेजों का राज पहला था संसद कि अंग्रेजों के राज्य में सूर्यास्त नहीं होता, ऐसा पहले प्रसिद्ध थी बात, कई जगह में दुनिया के कई देशों में उनके राज्य थे। तो वो जो अधीनता स्वीकार की भारतवर्ष ने, तो वो अपने इच्छा से अपने अज्ञान से अपनी दुर्बुद्धि से स्वीकार की, उन्होंने इसको अधीन नहीं बनाया, क्योंकि वे अगर अधीन बनाते होते तो आज सारी दुनिया उनके अधीन होती, लेकिन उन्होंने अधीन बिल्कुल नहीं बनाया, भारतवर्ष की दुर्बुद्धि ने उसको अधीन बनाया। तो फिर सारी वो जो अधीनता उन्होंने स्वीकार की, उसके बाद सारी प्रवृत्तियां जो नहीं होना चाहिए स्वतंत्र देश में, उस सारी परतंत्र पराधीन व्यक्तियों का जन्म वहां पर हुआ। इसी प्रकार ये आत्मा जो जब मोह का उदय के प्रति समय रहता ही है, किसको नहीं है जगत में, जगत में सारे जीव लगभग सारे जीव अज्ञानी हैं और उसमें मोह का उदय प्रति समय चलता है, लेकिन जो जीव ये जानता है कि मोह मेरा कुछ नहीं लगता, मोह और मेरा आत्मा ये दोनों दो चीज हैं, मैं शुद्ध बुद्ध आनंद कंग और नित्य स्थायी ध्रुव तत्व हूँ, और ये मोह तो थोड़े समय के लिए उत्पन्न होने वाला और नष्ट हो जाने वाली व्यक्ति है, नष्ट हो जाने वाला पदार्थ है, ये पर पदार्थ है, पुज्जल पदार्थ है, इस पुज्जल पदार्थ में ये हो रहा है उदय। उदय किसको कहते हैं, उदय उदय मैंने जैसे किसी आदमी ने मदिरा पी, मदिरा तो कर देंगे हैं, मदिरा आदमी तो नहीं है, कर देंगे हैं, कर देंगे उसके पेट में गया और थोड़ी देर ठहरने के बाद, क्योंकि मदिरा उसने बड़े मिठास से पी थी, बड़ी रुचि से पी थी, इसलिए उस रुचि की अधीनता के अनुसार उसके भीतर मदिरा का परिणमन जो ही होने लगा, इधर तो मदिरा का मैंने पुद्गल का उसका परिणमन होने लगा और इधर उस आदमी के भीतर लहर आने लगी,
क्या हुआ दुर्गा जी, तो मदिरा अलग चीज है, उस मदिरा का जो पेट में पेंडमेंट होने लगा, पेंडमेंट होगा ना क्या, वो कुशल है वहां भी वो कर्जल जो है, लेकिन उसका पेंडमेंट होने लगा तो इधर इसके ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान जो है वो गहल में छाने लगा और गहल इसको खाने लगी थी। गहल इसकी फरिया है और मदिरा की जो छलबल है भीतर वो मदिरा की फरिया है। लेकिन वो ये सब हुआ क्यों, क्योंकि ये मदिरा के अधीन हुआ मिठास से, इसके भीतर मदिरा पीने का मिठास पड़ा हुआ है। ये तब हुआ अगर ये किसी घोर चिंता में बैठा होता, घोर चिंता में, और इसको मदिरा के मदिरा के प्रति बिल्कुल मिठास नहीं होती, रुचि नहीं होती, तो इसको मदिरा का नशा मदिरा की गहल नहीं आती। तो ये उसके अधीन हुआ तब वो गहल आई। इसी प्रकार आत्मा, अज्ञानी आत्मा मोह के उदय के, मोह भी दे रही है ना मदिराई, मोह क्या है, मोह के भी धूल जैसे परमाणु है, धूल बहुत भारी धूल होती है ना, ऐसे धूल जैसे परमाणु है जो आत्मा के साथ चिपके रहते हैं, तो सूखे है मदिरा जो है तरल है, लेकिन है तो वो परमाणु सूखे परमाणु भी ऐसे होते हैं जैसे किसी पर कोई ऐसी चीज डाल दी जाए, ऐसा पाउडर कि जो एलर्जी पैदा करता हो, होते हैं ना ऐसे पाउडर कि जो एलर्जी पैदा करते हैं, तो तुरंत उसके सारे शरीर में फटोले और खुजली होने लगती है, तो वो क्या हुआ, तो उधर से एलर्जी के परमाणु में संघमन होने लगा इसके शरीर का स्पर्श होते ही, और उधर उसके शरीर में फटोले इत्यादि होने लगे। तो इसी तरह से ये दर्शन मन के जो परमाणु है ये भी उस तरह के हैं, मन नशीले नशीले परमाणु हैं, तो पेट के भीतर जाते ही उनको स्वयं नशा नहीं है, इनको मदिरा के परमाणु है, तो मदिरा को स्वयं नशा नहीं है, क्योंकि मदिरा से मदिरा को अगर मदिरा के कारण से नशा हो तो बोतल भी नाचने लगे, लेकिन ये बोतल तो नाचती नहीं है, इसलिए जिस समय वो आया थोड़े समय ठहरा, इस समय राधा का काल पूरा होते ही तुरंत उसको, क्योंकि उसने बड़े मिठास से उसका सेवन किया था इसलिए उसको गहल आने लगी। उस तरह मोह के प्रवृत्ति किसकी हुई, कि प्रवृत्ति उस आदमी की हुई, वो प्रवृत्ति स्वयं उसके उदय के अधीन हुआ, वो क्या करता है ऐसा ऐसी गहल आए तो उसमें आनंद आता है, उसमें मजा आता है। इसी तरह ये जीव दर्शन मोह के उदय के अधीनता से दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत व्यक्ति रूप आत्म तत्व से छूटकर क्या होता है कि जिस वैसे उस व्यक्ति को नशा आया तो मदिरा तो उसके भीतर है, उसका तनमन हो रहा है, लेकिन बाहर वो क्या बोलता है, दो बात हो गई, एक तो मदिरा जो है वो तो दर्शन मोह की तरह से, वो तो जैसे दर्शन मोह आत्मा के साथ चिपका हुआ है और वहां उसका तनमन हो रहा है, उस तरह से मदिरा उसके पेट में और उसका वहां का तनमन हो रहा है, मदिरा बोलती नहीं कुछ, मदिरा तो छिपकी हुई है उसके भीतर, लेकिन वो व्यक्ति अल्प जल्द मैंने क्या बोलता है, मनालुम क्या बोलता है, ये मेरा मकान है, ये मेरा अपने मकान को अपना मकान नहीं बोलता, दूसरे के मकान को दूसरे का मकान बोलता है, अपनी स्त्री को अपनी स्त्री नहीं बोलता, दूसरे की स्त्री को अपनी स्त्री बोलता है, ये बोल उसके शुरू हो जाता है नहीं, कौन से बोल होंगे, ज्ञान में है तो ज्ञान में सर अज्ञान में बोल है। इसी प्रकार वो जो मोह का मदिरा जैसा नशा भीतर परिणित हुआ, भीतर उसके परमाणुओं का परिणाम हुआ, उस परिणाम के अनुसार ये बकने लगा, ये देह मैं, ये देह मेरी, ये धनाधिक मेरे, ये परिवार मेरा, ये मकान मेरा, ये बकने लगा, ये भीतर बाहर का बकना किससे हुआ, उससे नहीं हुआ, मोह से नहीं हुआ, मोह तो परिणाम है, तजुर्बे के कारण से आत्मा के परिणाम नहीं होते, इसलिए तजुर्बे के साथ अधीनता स्वीकार करके मिठास में अधीनता स्वीकार करके और उसका उसके साथ एकत्र किया तो ये सारा काम सब सारे भूल कर निकले। तब क्या हुआ, दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप आत्म तत्व से छूटकर, छूटकर मैंने ऐसा नहीं है कि पहले ये सम्यक दृष्टि हो गया अथवा पहले ही सिद्धात्मा का अनुभव कर रहा था वहां से छूट गया, लेकिन ये जन्म से ही अज्ञानी है, इसलिए ये
उसका एक नियत दर्शन ज्ञान रूप से आत्म तत्व है। कैसा है आत्मा? दर्शन स्वरूप और ज्ञान स्वरूप, शिक्षा और ज्ञाता, ऐसा जो विश्वास भाई रूप सबसे भी बात करते हैं। यहाँ पर समय है जो धीरे दिन तैयार रहना है, इसी बात से यदि उसका दर्शन निकलेगा कि मैं तो जब यह है किसी आत्मा की रूप का है तो अलग होता है और पंडे के मनुष्य के उत्पन्न हो आरोग्य का भी भाव में एकता रूप से भी होता है, गर्व होता है। जैसे वो किसी गहल में लीन था, इसी के साथ ये जो मोह के उदय से मोह राजस्व का विभाव हुए उन मोह राजस्व का भी भाव में जो एकता रूप से भी होकर ऐसा जैसे उसको गहल भीतर से अच्छी लगती ये गहल मेरी बनी रहे ऐसा चाहता नहीं। इसी तरह से जो मोह राजस्व का विभाव के साथ इसका मिठास रूप इसका मधुरता रूप बनने में चलता हुआ ये अनुभव करता है यही मैं हूँ। ये मोही जैसे वो ये मानता है मैं तो ये मदिरा पीने वाला ही हूँ, ये दुनिया पागल है, दुनिया बेवकूफ है, ये मदिरा नहीं पीती है, मदिरा पीने से बड़े आनंद की गहल आती है। इस तरह ये अज्ञानी भी जो दर्शन मोह के हृदय की आधीनता थी जो मोह आदत का जुदा हुई कि शुद्धात्म तत्व से ये छूटा तो छूट जाए तो क्या रहा? शुद्धात्म तत्व से छूटा तो ये देह मेरी विभाव विभाव मैंने मोह का भाव और ये देह मेरी और मैं इसका संरक्षण करता हूँ, पालन पोषण करता हूँ, मैं इसे खिलाता पिलाता हूँ, ये लागत दे इस तरह मोह लागत दे का भी भाव जो गहल रूप है उन गहल रूप भाव में ये एकत्र करता है, उससे आनंद का अनुभव होता होता नहीं आनंद का अनुभव। अभी अभी हम लोग हैं तो हमको मोह लागत दे का भी भाव प्रातःकाल से और 24 घंटे चलते हैं नहीं चलते निरंतर चलते हैं नहीं चलते निरंतर चलते हैं उनमें हम आनंद मानते हैं इसलिए वे नहीं छूटते या आनंद नहीं मानते तो नहीं छूटते। वो भाव हमें अच्छे लगते हैं सुंदर लगते हैं वो भाव सारी की सारी पसदार के साथ एकत्र के भाव दे मैं हूँ दे का पालन पोषण मैं करता हूँ इसको मैं खिलाता पिलाता हूँ इसको मैं औषधियाँ देता हूँ इसको मैं परिपुष्ट रखता हूँ अभी इसके द्वारा मैं अनेक काम करता हूँ और मैं देह को आराम देता हूँ तो देह मुझे आराम देती है। इस प्रकार परस्पर मानता हुआ ये बड़ा आनंदित होता है सुखी होता है आनंदित जैसे वो मंदिर में बड़ा आनंदित है दुखी की अच्छी की ओर निरंतर जा रहा है तो मूल राजद देशा जी भावों में एकता रूप से लीन होकर प्रौद्योगिक थे उनमें भी एकत्व है इसका लेकिन मोह राजद द्वेषादि भाव में भी इसका एकत्व एकत्व अर्थात इसका मिठास है इसकी मधुरता है इसको अच्छा लगता है। किसी को अशुद्ध भाव अच्छे नहीं लगते किसी को शुद्ध भाव अच्छे लगते हैं किसी को शुद्ध भाव अच्छे नहीं लगते तो किसी को हिंसा झूठ चोरी ईषण वासना इत्यादि के भाव अच्छे लगते हैं। उस प्रकार इन भावों में एकत्व करता हुआ एकता रूप से लीन होता हुआ यही मैं हूँ यही मेरे कर्म है यही मेरा धर्म है। आत्मा तो वर्तमान में ऐसा ही अशुद्ध है और जब आत्मा शुद्ध होगा तब देखा जाएगा जब कर्म का उदय मिटेगा तब आत्मा शुद्ध हो जाएगा। अभी तो आत्मा ऐसा ही है अर्थात मैं ऐसा ही हूँ और यही मेरे कर्म है ऐसा मानता हुआ एकता रूप से मैं उनके साथ एक मेक होकर एक मेक नहीं होता एक मेक मानता हुआ मोह राजद्वेष विभाव और ये ज्ञान जो बकवास कर रहा है ज्ञान मिथ्या ज्ञान ये बकवास किसकी है सारी मिथ्या ज्ञान की अज्ञान की इस अज्ञान की बकवास के अनुसार ये मोह राजद्वेषादि भाव में एकता रूप लीनता करता है लेकिन एक रूप नहीं होता अर्थात मोह राजद्वेषादि भाव न्यारे ही रहते हैं और इसका जो ज्ञान है और आत्मा है वो न्यारा ही रहता है पर ये तो ये मान ही लेता है जैसे मदिरा पीने वाला मान लेता है मेरा तो कर्म यही है और ये पीना और उसका आनंद लेना मेरा तो पूरे मनुष्य जीवन का कर्म यही है। इसी प्रकार मेरा तो पूरा कर्म दिन रात हर क्षण का यही मेरा कर्म है ऐसा मानता हुआ प्रवृत्त होता है पर उज्ज्वल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने से युवक कर को एकत्र पूर्वक जानता
और कर रूप से एकत्र पूर्वक कर्म में जुटा हुआ कर समय है तो क्या कहा स्थित है कि ये उज्जवल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, उज्जवल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो बात हम और आगे करेंगे। प्रसंसित पर्याय की ओर से इसे परिणामी कहते हैं, परिणामी कहते हैं ना बदलने वाला, अपने पर्याय को करने वाला ऐसा कहते हैं। दो प्रकार की पर्याय रूप व परिणत हुआ, क्योंकि पर्याय में परिणमन होने के कारण, परिवर्तन होने के कारण उसमें दो प्रकार की संभावनाएं रहती हैं पर्याय में, या तो वो अपने स्वभाव के अनुसार निर्मल प्रणमन करे अथवा वो विकारी हो जाए, विकारी प्रणमन करे, दो प्रकार की संभावनाएं होती हैं। तो धर्म धर्म आकाश काल ये जो निर्विकारी हैं, ये तो द्रव्य भी निर्विकारी हैं और इनकी पर्याय भी अनादि अनंत निर्विकारी हैं। तो विकार होता है तो केवल जीव और उज्जवल में होता है। जीव के निमित्त से उज्जवल और उज्जवल के निमित्त से जीव विकारी हो जाते हैं। यहाँ उज्जवल की भी क्या चर्चा करें, क्योंकि उज्जवल को तो विकारी होने पर भी कोई कुछ नहीं है, इसलिए उसे किसकी चिंता, न स्वयं को जानता और न तो करके जानता, लेकिन आत्मा की अनादि से ये शिकायत है कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, इसका निदान आ गया करते हैं। तो दो प्रकार की पर्याय है, एक पर्याय का नाम है वह समय, एक पर्याय रूप निर्मल पर्याय रूप जो आत्मा परिणत होता है उसे आत्मा पूरी कभी स्वभाव है आत्मा का त्रैकालिक है, दर्शन और ज्ञान स्वरूप पवित्र स्वभाव का अवलोकन नहीं करता, उसमें अहम भाव नहीं करता, अपनी सत्ता में अहम भाव, अपनी चीज में, अपनी वस्तु में, अपने घर में कहाँ होना चाहिए अहम भाव, अपने घर में होना चाहिए, घर के घर में अहम भाव, जो दंड के योग्य अपराध होता है और उसकी सजा अवश्य होती है। इसलिए यहाँ दोनों बातों को समझकर आत्मा स्व समय भी हो तथा ज्ञानी भी हो, सम्यक दृष्टि भी हो, शुद्धात्मा का अवलोकन करता हुआ निर्माण का पात्र हो, एक आचार्य अपने भाव अपना पवित्र भाव उसमें प्रकट करते हैं। और हम लोगों के लिए एक प्रेरणा का विषय है, अनादि काल बीता और इतना का काम नहीं हुआ, पर भी वो जिसमें हमारा कुछ नहीं है, जो हमसे बिल्कुल भिन्न है, हरा है, उसके सारा उसकी सारी शक्तियाँ उसके सारे गुण तो उसी के पास रहे हैं, अपने गुणों में प्रति समय अपनी पर्याय किया करता है, अपना काम किया करता है। विजड़ पदार्थ हैं, उनकी चर्चा करते हैं आचार्य। इन जीव की ये क्या आदत पड़ गई, वह अपने सुशोभित घर को शोभनीय जो अनंत शक्तियों से सुसज्जित है, सजा हुआ है जो बंगला आत्मा का, वहाँ उसका मन नहीं लगता, उसको वो देखता तक नहीं, उससे वो सदा से अपरिचित है
ऐसे सुसज्जित शोभनीय सुखद रमणीय ऐसे बंगले से आकर्षित है और वह इन जड़ पदार्थों की ओर कि जिनसे उसे कुछ मिलने वाला नहीं है उनकी ओर निरंतर देखता है, उनमें अहम भाव करता है, उनको अपना मानता है, उनको अपना जानता है और उनकी सीमाओं में जाकर ये विशेषताएँ करने का प्रयत्न करता है। दूसरे की सीमाएं हो जाए, जब सीमाएं वहां पर सील्ड हों, सीलिंग हो रहा है, सीलिंग और सीलिंग को तोड़कर जो उसने जाने की चेष्टा करता है ये कितना बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। लोक में भी अपराध है या नहीं है? कोई भी चलता फिरता आदमी वो दिन में हमारे घर के भीतर घुस जाए, हम अचानक शोर मचा देते हैं, कोलाहल कर देते हैं, अरे कोई उचकता आ गया है। आत्मा क्या करता है? क्योंकि स्व समय है गुरु के उपदेश से, उनकी करुण कृपा से, जो अपने स्वरूप को अपनी सत्ता को समझ कर देख कर जिसने ये जाना, आराम से भरा हुआ जिसमें सर्व साधन है, ऐसा बंगला मेरे पास है, मैं इसको छोड़कर अन्यत्र धूप में क्यों जाता हूँ, गर्मी में क्यों जाता हूँ, धूप में क्यों जाता हूँ, परेशान क्यों होता हूँ? जितनी भी परेशानी है वो अपने घर को छोड़कर पर घर में जाने की चेष्टा रूप है। पर घर में कभी गया नहीं है, गया नहीं, देखो आदत, देखो आदत, पर घर में कभी गया नहीं, वो उसका हुआ नहीं, वस्तु वस्तु को अपने अधिकार में कर सका नहीं, अपनी सारी चीजें अपने अधिकार में है, उनके भोग का इसको अधिकार है, उनको जानकर उनका निरंतर भोग और उपभोग करे, ऐसा ये आत्म तत्व अनादि अनंत चैतन्य द्रव्य है। तो इसमें अपनी जो बात हुई उस स्व समय की हुई, स्व समय मैंने सम्यक दृष्टि, यानी जिसने अपने श्रुति ज्ञान के द्वारा, स्व संवेदन ज्ञान के द्वारा शुद्धात्मा का अनुभव, सम्यक दर्शन प्राप्त किया और सम्यक चारित्र में आचरण प्रारंभ किया, ऐसा जो जीव है वो स्व समय कहलाता है। जिसका अनादि का मिथ्यात्व, अनादि का ज्ञान टूटा, अनादि की बुरी आदतें कुचेष्टाएं अपराधनी वृत्तियां जिसकी छुटी, अनादि की है तो सब अज्ञानी अनादि से, पर वो सौभाग्य और दुर्भाग्य जैसी बात है ना कि करुणावंत गुरु मिले, उनकी वाणी बरसे और उनकी वाणी को सुनकर भी जो ये न समझ सके, अरे मेरे पास मेरे रहने के लिए इतना सुंदर घर होने पर भी मैं पराए घरों की ओर ताकता हूँ, ये मेरी आदत कैसी है, कैसी आदत है? दो आदमी पास पास खाना खाने बैठे तो एक व्यक्ति जिसकी नियत अच्छी नहीं है वो निरंतर दूसरे की थाली की ओर देखे, यद्यपि दोनों में व्यंजन बराबर हैं, रखने वाले ने तो दोनों में बराबर रखे हैं, लेकिन वो उसी की ओर ताकि कि कहीं इसमें ज्यादा तो नहीं है, कोई पकवान तो ज्यादा नहीं है, इसमें घी तो ज्यादा नहीं है, इसमें शक्कर तो ज्यादा नहीं है, मेरे कम तो नहीं है, इन्हीं विकल्पों में कर वो भोजन के आनंद से वंचित रहता है। लेकिन जो समझदार होता है जो अपनी थाली पर झुका हुआ अपने व्यंजनों को निष्पक्ष भाव से, निरपेक्ष भाव से, बिल्कुल निरावलंब होकर और उसकी ओर अवलंबन करके उसकी ओर देखता हुआ वो उसी का उपभोग करता है और उसके आनंद का स्वाद लेता है। अज्ञानी को ये कला सुनी तो सही उसने, अनेक बार उसे बताई तो गई, हमारा नहीं होता है, हम लोगों का हमको एक बात बताई जाती है, ये जो शास्त्र की बात है। अरे दुनिया की लौकिक आदतें हों, उन लौकिक आदतों को भी अगर कोई हितैषी व्यक्ति बतावे ये तुम्हारी आदत बुरी है, इसमें तुम कष्ट पाओगे, दुख पाओगे, ये अच्छी नहीं है आदत, ऐसा बताने पर भी
वह जीवन भर जिंदगी भर हजारों बार सुनने पर भी उस आदत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। यही बात इस पर समय रूप जीव के साथ रही। सुनाने वाले परमात्मा से लगाकर ज्ञानी तक अनेक बार मिले, लेकिन उनकी वाणी का उसने तिरस्कार किया। नहीं सुना, मुझे तो यही आराम है, मुझे तो यही आनंद आता है। जैसे वो काला कुत्ता होता है ना, काला कुत्ता और एक सफेद कुत्ता, तो काला कुत्ता वो रहता है गरीबों की गलियों में। गरीब लोग जहाँ रहते हैं, जिनको स्वयं खाने को नहीं मिलता, उन गलियों में वो रहता है। एक है सफेद कुत्ता कि जो अच्छे बड़े घर के जैनियों की गली में रहता है, और वहाँ उसे जैसे ये खाते हैं वैसे ही पकवान उसको भी खाने को मिलते हैं। छोड़ते हैं ना लोग, तो वैसे ही पकवान उसे भी खाने को मिलते हैं। दोनों मिलते हैं एक दिन, तो वो सफेद कुत्ता पूछता है, तू इतना दुबला क्यों है? कि दुबला कुछ नहीं, मैं तो मजे में हूँ, आराम में हूँ। कि आराम में कैसे है? कि मैं जिस गली में रहता हूँ, उस गली में एक घर है जिसमें एक सास और बहू रहती है, और जब उन दोनों में झगड़ा होता है तो सास कहती है तू काले कुत्ते की औरत, और फिर बहू उसको कहती है तू काले कुत्ते की औरत। वो सुनकर मुझे बड़ा आनंद आता है। भले न मिले खाने को, पेट न भरे, लेकिन जब मैं इस बात को सुनता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद आता है कि तू ये क्या मूर्खता करता है, मर जाएगा भूख के मारे, एक दिन प्राणांत हो जाएगा, और उस सुनना तो सब धरा रह जाएगा तेरा, बंद हो जाएगा वो, तू कहाँ लेकर जाएगा तू सुनने को। इसलिए तू मेरे साथ चल और मेरी गली में रह, वहाँ तुझे खूब खाने को मिलेगा। लेकिन वो मानता नहीं है। मुझे तो उसी में जब वो लड़ाई होती है और जिसमें मेरा नाम आता है तो मुझे बड़ा आनंद आता है। ये श्री गुरु नहीं समझाते हमको कि अरे अब तो ये आदत बिना काम की, जिसमें निरंतर कष्ट होता है, इस आदत को छोड़ते क्यों नहीं हो, क्यों नहीं छूटती है ये आदत? ये आदत तो एक क्षण में छूट जाती है। जिस शरीर को, जिस देह को ये पर समय वाला जीव, पर को आत्मा मानने वाला, देह को आत्मा मानने वाला जीव, जिस समय उसको ये मालूम होता है कि मुझे टीबी हो गया है, मेरे फेफड़े खराब हो गए हैं, मेरी किडनी खराब हो गई है, मेरा आमाशय खराब हो गया है, मेरी आंखें गल गई हैं, ऐसा डॉक्टर ने बताया है, और कल तक तो मैं सब खाता था लेकिन आज सब छुड़वा दिया है, तो जन्म भर की खाने की आदत एक मिनट में छूट जाती है या नहीं? क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मेरे प्राण तो ये शरीर में ही है, और मेरे ये शरीर का अंत होने पर मेरा प्राणांत हो जाएगा। ऐसा मानने के कारण उसे अपने जीवन का भय हो जाता है, और वह उस आदत को, जीवन भर की चली आई आदत को छोड़ देता है। श्री गुरु इससे भी जो जिसमें कोई आदान प्रदान नहीं, जिसमें कोई दवाई नहीं लेना, जिसमें कोई डॉक्टर को नहीं दिखाना, श्री गुरु स्वयं डॉक्टर हैं। कुंद कुंद जैसे डॉक्टर, अमृतचंद्र जैसे डॉक्टर हमें मिले, और वो कहते हैं कि तुम्हारे मन की बात केवल कहते हैं, तुम्हारे मन में ये जो परद्रव्यों के प्रति प्रीति पड़ी है, उन द्रव्यों में तुम्हारा कुछ नहीं है, और वहां से तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। उन द्रव्यों में जो कुछ भी काम होता है वो उन्हीं में रहने दो, तुम उनकी ओर मत देखो। उन द्रव्यों के कार्यों की ओर देखने से, पर्याय की ओर देखने से तुम्हें कोई उपलब्धि आज तक नहीं हुई, तो आगे कैसे हो जाएगी? तुम्हारा अनादि जीवन बीता है। ऐसा जब कहते हैं कि कैसा मुझे, मैं तो यही मस्त हूँ, मुझे तो यही आनंद आता है, मैं तो उनकी ओर देखता हूँ, इसी में आनंदित हो लेता हूँ, मिलता कुछ भी नहीं है, तो उस जीव को आचार्य पर समय, पर समय, पर को आत्मा मानने वाला मिथ्या दृष्टि अज्ञानी
है चारित्री, उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं ना। स्वसमय की बात के बाद आचार्य कह रहे हैं, किंतु जब वह अनादि अविद्या रूपी केल के मूल की गांठ की भांति पुष्ट हुआ मोह उसके उदयानुसार प्रवृत्ति की अधीनता से दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप आत्म तत्व से छूटकर परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न मोह राग द्वेषादि भावों में एकता रूप से लीन होकर प्रवृत्त होता है, तब उद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने से युगपत पर को एकत्व पूर्वक जानता और पर रूप से एकत्व पूर्वक परिणमित होता हुआ पर समय है। देखो एक ही वाक्य है ये सारा का सारा, अपन इसको थोड़ा थोड़ा करके अपने किया था ना, कल चर्चा की थी, आज फिर चर्चा करते हैं कि जो मोह पुष्ट हो गया है, जैसे केले के मूल की गांठ होती है वो पुष्ट होती जाती है दिन पर दिन, उसी तरह से ये मोह अनादि काल से पुष्ट हो गया है। तो मोह जो पुष्ट हुआ है तो वो निरंतर उसका उदय आता है, निरंतर उसके उदय की प्रवृत्ति होती है। तो कल उदाहरण था ना अपना, ये मदिरा जिसने की है तो अभी उसकी मर्यादा अगर 4 घंटे की है तो मदिरा पेट में गई और 1 मिनट छोड़कर उसका परिणमन भीतर ही भीतर प्रारंभ हो जाता है, होता है। कोई जहर खाता है तो तुरंत उसका परिणमन होकर सारे खून में विकार होकर उसका प्राणांत हो जाता है। इस तरह मदिरा भी पुद्गल के परमाणु है ना, पुद्गल के ही है ना, धूल जैसे परमाणु, तो वो परमाणु प्रति समय परिणमन करते हैं या नहीं करते है? प्रति समय परिणमन करते हैं। तो जब उनका जो परिणमन अर्थात उदय रूप जो परिणमन होता है, जैसे मदिरा भीतर गई और उसमें एक विशेष प्रकार का परिणमन होने लगा ना, जीव के शरीर का संयोग पाकर उसमें जो परिणमन होने लगा, तो उधर तो उसमें परिणमन हुआ, इधर ही इसको उस मदिरा की मिठास की अधीनता है, रुचि है, प्रीति है, एक दिन भी इसके बिना रहा नहीं जाता, तो रोज उसे उसमें प्रीति है ना, ले मैंने एक क्षण के लिए भी उससे वंचित रहता नहीं है, 24 ही घंटे उस मदिरा की गहल में रहता है। तो गहल कैसे आती है, कि मनुष्य के पेट के भीतर वो गई तो उसमें एक विशेष प्रकार की क्रिया शुरू हुई, तो वो उधर तो वो क्रिया शुरू हुई, इधर चूंकि ये मानता है कि मदिरा ही मुझे आनंददायिनी है, ऐसा मानता है, ऐसा मानना मुख्य है उसके, उसका नाम उस मदिरा की मिठास की अधीनता, मदिरा की अधीनता, उसकी अधीनता के कारण, क्योंकि इसने अपना मन ही उसके समर्पित कर दिया ना, अपने आप को संपूर्ण रूप से उसके समर्पित करके उसके अधीन हुआ ही, उसने अधीन नहीं बनाया उसको, वो अगर अधीन बना गए तो जगत के सारे जीव मदिरा पीने वाले हो जाए, लेकिन वो उसमें अधीनता बनाने की ताकत नहीं है। ये स्वयं उसमें रस मानकर, उसमें मिठास मानकर, उसमें मधुरता मानकर उसका जो परिणमन होता है, उधर तो उसका परिणमन हुआ और इधर इसने चूंकि ऐसा माना है कि मदिरा बड़ी आनंददायिनी है, इस मान्यता के कारण इसके भीतर उसके उदय के अनुसार गहल का परिणमन शुरू हो जाता है। ये प्रक्रिया है, कितनी सुंदर प्रक्रिया है। एक व्यक्ति, दो व्यक्तियों में झगड़ा हो तो एक व्यक्ति किसी को गाली देता है तो गाली तो उसको लगती नहीं, लेकिन ये मानता है ना कि इस गाली से मेरा नुकसान होता है, मेरी प्रतिष्ठा मेरी इज्जत इससे भंग होती है, ऐसा मानता है। तो उधर तो उसने वो गाली के शब्द के परिणमन हुए, तो वो तो उधर बाहर का बाहर ही रहा, इसको चिपका क्या, इसको तो नहीं चिपका ना, बाहर ही रहा ना, तो उधर तो उसके मुंह से निकलते ही उनका वो परिणमन शुरू हुआ, इधर चूंकि ये मानता है कि इस गाली से मेरी प्रतिष्ठा की हानि होती है, मेरा नुकसान होता है, मेरी बदनामी होती है,
ऐसा मानता है तो तुरंत इसको क्रोध का परिणाम, उधर गाली का उदय और इधर क्रोध का एक साथ हो गया, ठीक नहीं हुआ। उधर तो गाली का उदय, उधर मैंने उन शब्दों का निकलना, हितों का उदय, और इधर इसके भीतर क्रोध का परिणाम शुरू हो जाता है। उसी प्रकार मोह के जो परमाणु हैं वो मदिरा जैसे हैं, गाल वाले परमाणु हैं। परमाणु में तो कई प्रकार के होते हैं, पुद्गल के परमाणु में रस कितना है, तक कई प्रकार का रस होता है, जिसमें गाल वाला रस है मोह में। तो जो मोह का उदय हुआ, उधर इसने उसको आनंददायक माना और उसकी अधीनता स्वीकार की, उस अधीनता की स्वीकृति के कारण यह तुरंत ही मोह के उदय का अनुभव करता है। और जैसे वो मदिरा पीने वाला, वो उधर तो मदिरा तो भीतर पेट में है और उसका परिणाम तो पेट में हो रहा है, वो तो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उधर जो गैल आती है उस गैल में ये बकने लगता है, नाना प्रकार से तरह तरह से बकने लगता है। किसी दूसरे का मकान हो तो कहता है देखो ये जो दिख रहा है ना तुमको, ये बंगला मेरा है, ये 7 मंजिल का बंगला ये मेरा बंगला है, ऐसा बकता है। तो ये जो बकवास शुरू होती है ना, तो इसी तरह से मोह जो है वो तो भीतर है इसके, आत्मा के प्रदेशों के साथ, और आत्मा के प्रदेशों के साथ ही उसमें क्रिया हो रही है उस मोह के परमाणुओं में। उधर मोह के दयालु परमाणु, वो जो उन्मत्त परमाणु है, उन्माद भरे परमाणु है, उनको नहीं गैल आती, मदिरा को गैल नहीं आती, लेकिन मदिरा के परमाणु ऐसे हैं। परमाणु तो होते हैं ना तरह तरह के, नहीं होते, जैसे एक मिर्च है तो चरपरी होती है, नमक है तो खारा होता है, शक्कर है तो मीठी होती है, और दूसरे बंग है तो उसके गैल वाले परमाणु होते हैं। इसी तरह मदिरा के गैल वाले परमाणु, उन गैल वाले परमाणु का तो उधर तो उनकी क्रिया शुरू हुई, और उधर उनकी क्रिया, इधर इसने उनकी अधीनता अपने मन से स्वीकार की, ये तो मुझे पीना ही है, क्योंकि इसके बिना मैं रह नहीं सकता, मैं रह नहीं सकता हूँ एक मिनट भी इसके बिना, ऐसा वो जानकर इसने अपने आप को उसके अधीन बना लिए। मूल जड़, इस सारे विकारों की जड़ के मूल में इसने अपने आप को उसके अधीन स्वीकार कर लिया, तो तुरंत उसका उदय और इसमें इस प्रकार की क्रिया शुरू होती है। क्या बोलता है फिर, ये क्या बोलने लगता है, ये जो सारा है, ये सारा जो दिखाई दे रहा है घर में, ये मेरा है, ये मैंने कमाया है, ये मैंने मेहनत की है, ये सारे मेरे परिश्रम का फल है, इस प्रकार की बकवास, गैर रूप बकवास, पागलपन, उन्माद, ये सब पागलपन है। किसी को पागल कह दिया जाए, सभा में से उठ के चला जाए और सब पागल हो रहे हैं, नहीं। आचार्य अमृतचंद और कुंद देव की भाषा में ये सब उन्माद में है या नहीं है, संसार के प्राणी एक इंद्री से लगाकर सैनी पंचेंद्री तक, एक इंद्री जीव भी छोटा सा निगोद का जीव, वो मानता है ये देह मेरी है, मैं हूँ, ये मेरी है, इतना भी नहीं, मैं हूँ, ऐसा मानता है। इसीलिए उधर देह का जाना और इधर इसका अत्यंत दुखी होना, फिर उधर देह का जाना एक श्वास में 18 बार, देह का जाना और मिलना, जाना और मिलना, और इसका अनंत दुख का अनुभव करना, ये सब मोह के उदय के अनुसार होने वाली परिणति की अधीनता है, इससे होता है। ये अपने आप को अधीन स्वीकार किया है, यहाँ से ये कथा शुरू हुई है, संसार की कथा। संसार खड़ा कहाँ से हुआ, कि जीव ने ये जो मोह की परिणति है, इससे अथवा जगत के पदार्थ हैं, इन जगत के पदार्थों की अधीनता स्वीकार करके, ये मैं हूँ अथवा मैं इनके अधीन हूँ, और जैसे इनका परिणमन होता है, मुझे भी ठीक इसी प्रकार का राग होता है। देखो ये है ना, घर में ये सारे के सारे प्राणी हैं या नहीं, हम घर के सदस्य हैं ना, तो घर के सदस्यों में जिस प्रकार की परिणति होती है, ठीक मुझे भी उसी प्रकार का राग द्वेष होता है। इनकी परिणति के कारण मुझे ये राग द्वेष जुड़ गया है,
इसने अपने आप को उनके अधीन मान लिया है कि मेरे ये जो परिणाम होते हैं राजा द्वेष मोह के, उसके कारण ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, ऐसा स्वीकार कर लिया। तो परिवार के सदस्य जब तक रहेंगे और वे अपना भिन्न भिन्न कार्य करते रहेंगे, तब तक इसकी मोह की परिणति और मोह की अनुभूति छूटने वाली है? कभी छूटने वाली नहीं है। और एक क्षण में आचार्य छुड़ाते हैं, वे तेरे कुछ नहीं लगते, वे तो रात को लक्ष्य पर इकट्ठी होने वाली चिड़ियाओं की तरह हैं और प्रातःकाल होते ही अपनी अपनी दिशाओं में सारे के सारे चले जाते हैं। परिवार कैसा है कि रात को विश्राम करने के लिए पेड़ पर चिड़ियाएं इकट्ठी हो गई, कोई किधर से आई, कोई किधर से आई, कोई किधर से आई, इस तरह दसों दिशाओं से आई, और जिस समय प्रातःकाल हुआ उस समय एक एक करके दसों दिशाओं में उड़ गई। अब उनमें से कोई चिड़िया रोने लगे, अरे ये जो नौ चिड़ियाएं थी वो रात को मेरे साथ थी, ये तो मेरी ही थी, ये कहाँ भाग गई? तो वो चिड़िया मरेगी या क्या होगा, उसका प्राणांत होगा या क्या होगा? इस तरह जब ये होने लगता है परिवार में, तब जीव कहता है अरे मेरा तो वो चला गया, मेरे प्राणों से प्यारा, मेरे प्राणों से प्यारी पत्नी वो चली गई, मर गई, खत्म हो गया, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया, मैं तो किसी काम का ही नहीं रहा, मेरे तो हाथ पैर ही टूट गए। इस तरह की नाना जल और नाना विकल्प करके दुखी होता है। इस दुख को समाप्त करने का एकमात्र रास्ता, उन चिड़ियाओं में से एक भी चिड़िया तेरी नहीं है, इनमें से एक भी तेरा लाया था साथ, साथ लाया हो तेरा है, लाया है तू साथ कि नहीं लाया, कि शरीर को साथ लाया आया, लेकिन ये रहता कहाँ है साथ? जो सदा मेरे साथ रहता है ज्ञान और आनंद वो मेरा है, जो मेरे साथ रहता ही नहीं है तो वो मेरा नहीं है। ऐसी सुंदर बात इस दूसरी गाथा में आचार्य बताते हैं। पर्याय की ओर से मैंने आत्मा की आदत कैसी बन गई है, आत्मा ध्रुव आनंद कंद होने पर भी उसकी आदत कैसी बन गई है। आदमी तो करोड़पति है, लेकिन उसकी आदत कैसी बन गई है कि सदा ही परिवार में कोलाहल रहता है कि आज तो घी नहीं है, आज शक्कर नहीं है, आज तेल नहीं है, तो वैसे ही खा लो, पैसा नहीं है पास में, पैसा जो है वो नमालूम कब नष्ट हो जाएगा, पता नहीं है क्या होगा। इस तरह से घर में कोलाहल ही कोलाहल रहता है, और देखा जाए तो 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा है, तो उसके जो स्वर है ये स्वयं उसके विरुद्ध है या अविरुद्ध है? उसके विरुद्ध है ना। अरे 1 करोड़ जिसका जमा है उसके मुंह से ये शब्द निकलना, उसी प्रकार आनंद का जो कोष है उसके मुंह से ये शब्द निकलना, अरे तो मेरे थे और चले गए, कि जिनमें तेरा कुछ नहीं था उनमें तेरा तू अपना था, ये मानकर अनंत कष्ट का अनुभव प्रति समय करता है। बहुत करुणा आती है आचार्य को तो, क्योंकि आचार्य स्वयं भुक्त भोगी हैं, स्वयं देवी पहले इसी परिस्थिति में ऐसी ही परिणति में थे, लेकिन अपने गुरु से समझकर उनको भी ज्ञान का ज्ञान की दिशा मुड़ी, और वह ज्ञान इन सबको छोड़कर सारे जगत से, कि जिस जगत में उसका अनुमात्र भी नहीं है, उससे मुंह फेर कर अपनी ओर झांकने लगा, तो जैसे कोई वाटिका दिखाई देती है जिसमें महक रहे हैं फूल ही फूल, जिसमें कोष भरा हुआ है, ऐसी वाटिका की ओर झांक कर आनंद मग्न हो जाता है, उसको आचार्य स्व समय कहते हैं। और पर समय कहते मोह, जो मोह का है पुष्ट हो गया है, पुष्ट पुष्ट किया है, इससे इधर इधर तो मोह की परिणति नहीं, मैं मेरा यह जो परिणति है, इस मोह की ये मोह की परिणति, ये इसके उदयानुसार प्रवृत्ति की अधीनता से, जैसे मदिरा वाला मदिरा के अधीन हुआ, उसी प्रकार यह जीव उस मोह के उदय के अधीन हो गया। जो मोह को नहीं मानते वो अधीन है या नहीं है? दुनिया में ये मोह राग द्वेष
और मोह राग द्वेष का स्वरूप और उसके साथ चलने वाले जो मोहादि कर्म, इनको तो केवल सही रूप में तो दिगंबर जैन दर्शन मानता है। अब जो लोग नहीं मानते तो वो लोग मोह के अधीन है या नहीं? अरे नहीं मानते, नहीं मानते, लेकिन क्या कानून टूट जाएगा? क्या कानून नहीं रहेगा? वो नहीं मानते हो तो भी वास्तव में वे तो उसके अधीन ही वर्तन करते हैं। जो एक व्यक्ति ये कहे मैं मानता ही नहीं हूँ कि ये दिल्ली में कोई सरकार है, मैं नहीं मानता हूँ, मैं तो मैं जो मेरी इच्छा होगी, जिसके घर में मुझे घुसना होगा, वहाँ से जो कुछ भी मुझे उठाना होगा वो मैं सब करूँगा, मैं तो आजाद हूँ और मैं नहीं मानता हूँ कि कोई सरकार होती है, तो उसके ऊपर कानून चलेगा कि नहीं चलेगा? कानून लागू होगा कि नहीं होगा वो? और कानून लागू किए जाने पर जब वो पकड़ा जाए उस समय उसे वो कहता है मैं मानता ही नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमको मानता ही नहीं हूँ, तो तुम नहीं मानते हो लेकिन कानून तो कभी टूटने वाला नहीं है और वो तो तुम्हारे ऊपर लागू हो गए हुआ, बहुत कष्ट पाओगे अपनी इन आदतों से, ये नहीं मानने की जो आदत है उसे बहुत कष्ट पाओगे। इस तरह यह अध्यात्म का कानून, मोक्ष मार्ग का कानून, इस मोक्ष मार्ग के कानून के उल्लंघन से आचार्य कहते हैं बहुत कष्ट पाओगे, बहुत कष्ट पाया है, बहुत कष्ट पाओगे। अब तो श्री गुरु की बात एकाग्रता पूर्वक सुनकर उस पर अपना प्रणमन प्रारंभ करो तो इसी भाव में तुमको मोक्ष मार्ग का, मंगलमय मार्ग का, कल्याणमय मार्ग का प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए मोह के उदय की अधीनता का परित्याग करो, तो मेरा है ये विश्व, मेरा है सारा का सारा, तो ऐसा कहने वाला वो उन परिणामों की अधीनता को स्वीकार करके मोही होता है। जड़मो तो कुछ करता ही नहीं है, जड़मो मजला क्या करती है? वो तो कुछ भी नहीं करती, बाहर बोतल में थी तो भीतर पेट में चली गई, लेकिन चूंकि इसको प्रेम है उसके साथ मिठास है, मिठास होने के कारण इसको तुरंत, जैसे किसी से हमें प्रीति होती है ना, तो जिस समय वो हमें दिखाई देता है तो हम हंसने लग जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और जिसके प्रति द्वेष होता है तो उसको देखते ही हमारा मुंह खराब हो जाता है, तरह तरह के दुष्परिणाम आने लगते हैं, इसका नाम उदय। पर अब इनमें इन परिस्थितियों में किसी एक व्यक्ति को देखने से प्रसन्नता हो और दूसरे व्यक्ति को देखने से हमारे भीतर दुष्परिणाम हो, तो इसमें उस व्यक्ति का क्या है? उस व्यक्ति ने न तो हमको प्रसन्नता दी और न उस व्यक्ति ने हमको कोई दुष्परिणाम दिए, लेकिन ये स्वयं ही ऐसा मानकर, यदि भी वो तो सच्चरित्र है दोनों व्यक्ति, लेकिन सच्चरित्र होने पर भी इसने अपने मन से, अपने मन की स्वच्छंदता से ऐसा मानकर ये उनके अधीन हुआ, और उनके अधीन हुआ तब जब जब वो दिखाई दिए तभी तभी इसको ऐसे परिणाम। इसी प्रकार मोह के उदय की, मोह के जो परमाणु है जड़, उन जड़ परमाणु में जब गहरू परिणमन हुआ, आत्मा के साथ लगा हुआ जो मोह, उसके परमाणु उनमें जब गहरू परिणमन हुआ, होता है ना समय पाकर होता है ना, ऐसा एकदम तो नहीं होता है ना, कई तरह के जहर होते ही नहीं होते, तो ऐसे भी जहर होता है कि एक घंटे तक इसको चक्कर आएंगे, ये गिर जाएगा पछाड़ खाकर, लेकिन मरेगा नहीं, ऐसा भी होता है नहीं, तो एक घंटे बाद ये सब शुरू होगा। इसी तरह से ये जो लगा हुआ मोह के लगे हुए जो परमाणु है, उन मोह के परमाणुओं का जब समय आया उनके परिणमन का, तो उधर उनका परिणमन हुआ, इधर इसने माना ही था कि ये इस धन परिवार आदि मेरे हैं, ऐसा मानने के कारण इसको निरंतर ये मोह के ही परिणाम हुए, और मोह के परिणामों की अधीनता से ये अपने स्वभाव से च्युत हो गया। च्युत हो गया मैंने पहले कभी स्वीकार कर लिया था, अरे अनादि से अज्ञानी था, पर अनादि से अज्ञानी होने पर भी लिखने की शैली में तो क्या आएगा, ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ कि इसने अपने उस आनंदमय स्वरूप को छोड़ा, उससे च्युत हुआ, और यह बुरी आदत वाला होकर, दुर्व्यसन वाला होकर दुनिया के पदार्थों में एकत्व करने लगा,
पर पदार्थों ने एकत्र करके उनको अपना मानने लगा, इसलिए इसकी सारी दुर्दशा हुई है। ये आचार्य निदान करते हैं। तो उसके उदय के अनुसार प्रवृत्ति की अधीनता से दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप आत्म तत्व, पहले भी यही आया था, दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप आत्म तत्व, ये स्व समय में भी यही और पर समय में भी यही। इसका अर्थ क्या है कि आत्मा तो तीनों काल एक ही प्रकार का है और वह दर्शन ज्ञान जैसे बड़े आनंदमय स्वभाव वाला है। केवल देखो और जानो, अपने स्वरूप को, अपने सौंदर्य को, स्वरूप सौंदर्य को देखो और जानो और निरंतर आनंद में रहो, आनंदमय जीवन व्यतीत करो, यह है इसका स्वभाव। इसकी स्थिति तो ऐसी है, करोड़पति की स्थिति ऐसी है कि घर में अमन चैन रहे सदा, एक आवाज भी सुनने को न मिले। उसी प्रकार अनंत गुणों का निधान ये आत्मा, कहते इसकी परिणति कैसी हो, इसकी परिणति में ये ऐसी तुच्छ बातें आने, ये मेरा है जिसमें इसका बिल्कुल कुछ नहीं है, उसके लिए कहता है ये मेरा है, ऐसी जरा जरा सी बात में इसकी नियत खराब हो, क्या ये आत्मा ऐसा है अनंत शक्ति ज्ञान और आनंद का धनी होकर, क्या ऐसी आदत होना चाहिए आत्मा की। लेकिन उधर मोह का उदय, इसने उसकी अधीनता स्वीकार की और ये इस प्रकार की प्रवृत्तियां, दुष्प्रवृत्तियां करने लगा है। है तो एक ही प्रकार का दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला एक रूप आत्म तत्व, इस दोनों में आया ना, तो समय में भी ये बात आई और पर समय में भी ये बात आई। दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप, जो दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत रूप से रहता है, रहता है ना, परिणमन करता है, वो नहीं कह रहे हैं, दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत रूप से रहता है, चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो तो भी उसके दर्शन ज्ञान स्वभाव की एक रूपता है, और ज्ञानी हो तो भी दर्शन ज्ञान स्वभाव की, अथवा ज्ञानी बनने जा रहा हो तब भी दर्शन ज्ञान स्वभाव की एक रूपता है। उससे छूटकर, उससे ये छूटा, अलग हुआ, जैसे वो था ना वहां ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में जो राजकुमार था तो उसे तो उसके उसका जो संबंध है वो तो किसी राजकुमारी से होना चाहिए था, घर गए, ये तो राजघरानों का कायदा ही होता है। लेकिन ये गरीब लड़की, गरीब लड़की, उस गरीब लड़की के प्रति उसका आकर्षण हो गया और उसने राज्य की चिंता नहीं करके उसके साथ में विवाह कर लिया, तो क्या ये उसके करने लायक काम था, नहीं था। इसी तरह ज्ञान और आनंद का धनी, आनंदमय, अनंत शक्तियों का कोष, ऐसा जो आत्म तत्व है, ये ऊपर आसमान से नीचे धरातल पर उतरकर, धरती पर उतरकर, और इन जड़ पदार्थों के साथ के जो कुछ बोलते भी नहीं, कहते भी नहीं, इसको कुछ बुलाते भी नहीं, इसके साथ जिनका संबंध नहीं, उनके साथ ये संबंध बनाने की चेष्टा करता है, ये कैसी हंसी की बात है, कैसे हास्य की बात है। उन जड़ चेतन होकर और ज्ञान स्वभाव वाला होकर और उनके साथ अपना संबंध बनाकर अचेतन बनने की चेष्टा करे, तो ये तो अपने अपने अपनी ही हत्या अपने हाथ से की ना। क्या बना ये चेतन होकर, चेतन होकर अचेतन के साथ एकता की और उस एकता में अपने आप को मानने लगा, अरे मेरी तो तबीयत बिगड़ गई, मेरी तो तबीयत खराब हो गई, मैं तो अब जल्दी ही मर जाऊंगा, मेरे मरण मौत का मेरे ठिकाना नहीं है, मुझे तो ऐसी असाध्य व्याधि हो गई, इस तरह के पागलपन के बोल, जैसे वो पागल पागल खाने में बोलता है, ऐसे पागलपन के बोल बोलकर निरंतर हैरान है, परेशान है, केवल एक काम नहीं करने के कारण कि दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला जो आत्म तत्व है उससे ये छूटा। इसका जो श्रुतक ज्ञान है उसको मैं दर्शन ज्ञान स्वभावी हूँ, आनंद स्वभावी हूँ, निरंतर ये अनुभव करना चाहिए। एक जो करोड़पति है उसे निरंतर क्या अनुभव करना चाहिए है? अरे अपन तो एकदम मस्त हैं, अपने को क्या फिक्र है, क्या चिंता है, अपने को ये अनुभव करना चाहिए। इसके स्थान पर कभी चला न जाए, कभी टूट न जाए, कभी कोई चोर न ले जाए, कभी कोई कमी न आ जाए,
कभी कहीं नष्ट न हो जाए, कभी कहीं आग नहीं लग जाए, इस तरह के नाना प्रकार के खोटे विकल्प करता हुआ एक क्षण भी आराम में नहीं रहता, एक क्षण के लिए भी। इसी तरह आनंद का कोश होकर आनंदमय कोश आता है ना, और औरों में भी आता है ये आनंदमय कोश, ज्ञानमय कोश। तो ये आनंदमय कोश आत्मा होकर और निरंतर दुख के बोल बोलता है, दुख के बोल। आचार्य आश्चर्य करते हैं, अरे देखो तो इस अनंत वैभव के धनी को, ये निरंतर इसका एक आंसू टूटता नहीं है, निरंतर होता है, परेशान होता है। ऐसे आत्म तत्व से छूटकर परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न मूल राग द्वेष आदि भावों में एकता रूप से लीन होकर प्रवृत्त होता है। परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न, परद्रव्य मैंने वही मोह राग द्वेष की जो वृत्तियां हैं उसके अनुसार आत्मा में मोह नाम का कर्म पुद्गल है या नहीं है। इसी तरह चारित्र मोह में क्रोधमान माया लोक के परमाणु है या नहीं है, तो परमाणु है, लेकिन क्रोध का जो परमाणु है उसमें क्रोध नहीं है, और मोह का जो परमाणु है उसमें मोह नहीं है, लेकिन वो है परमाणु, वो उन्माद रूप गैल वाला परमाणु। जैसे हम रोटी खाते हैं, रोटी खाते हैं तो क्या मदिरा जैसा नशा आता है, नहीं आता है ना, तो वो परमाणु अलग तरह के, लेकिन ये मोर क्रोधमान मायालोक के परमाणु ये अलग तरह के गैल जैसे परमाणु है। इनको स्वयं गैल नहीं है, लेकिन जो इनकी अधीनता करके इनका संपर्क करता है तो उसको गैल का अनुभव, क्योंकि वो गैल के लिए ही अनुभव करता है, इसीलिए कि मैं पागल हो जाऊं और मानता अपने को समझदार है। अरे तुम इसका आनंद तुम क्या जानो, ऐसा कहते हैं ना लोग। इससे परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न मोह राग द्वेष आदि भाव परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होते हैं, उन भावों में एकता रूप से लीन होकर प्रवृत्त होता है। एकता रूप से वहां तो जो स्व समय जो कहा था सम्यक दृष्टि, वो तो अपने आत्म तत्व में एकता रूप से लीन होकर प्रवृत्त होता है, और यह परद्रव्य में एकता रूप से लीन होकर प्रवृत्त होता है। इसका नहीं होते हुए भी ये उन रूप परिणमन करता है, जैसे देह से अत्यंत न्यारा है ना आत्मा, और देह से न्यारा होने पर भी यह मैं देह ही हूँ ऐसा परिणाम उसके भीतर उठता है। तो यह मैं देह ही हूँ इस प्रकार चैतन्य होकर भी इसकी इसके परिणाम में तो ये जड़ रूप परिणमन कर रहा है ना। जैसे अनंत अक्षर निधि का धनी जो आदमी है, बहुत धन वाला, वो अनंत धन का स्वामी होकर भी ये मैं दीन और दरिद्री हूँ ऐसा ये प्रणमन कर रहा है, नहीं कर रहा है, भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर प्रणमन करता है। इसी तरह ये भी देह न होकर भी मैं देह हूँ, देह ही हूँ, देह से न्यारा बिल्कुल भी, देह चली जाएगी तो मैं चला जाऊंगा ऐसा।